राम राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी के बारे में, जिसका नाम है वासुकी। दोस्तों, यह रेल चला के भारतीय रेलवे ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कराया है। दोस्तों, यह मालगाड़ी SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने चलाई गई थी। इस रेल में 5 मालगाड़ी इकट्ठी जोड़ी गई थी, जिससे इस मालगाड़ी की लंबाई 3.5 किलोमीटर हो गई थी, जिससे कि यह रेल बन गई भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी। दोस्तों, इस रेल में 5 लोकोमोटिव लगाए गए थे जो बिजली के थे, जिसका नाम वैगनाइन है। वो लोकोमोटिव इस रेल में लगाए गए थे 5। दोस्तों, यह रेल रायपुर डिवीजन में चलाई गई थी, भिलाई तय कोरबा के बीच। इस मालगाड़ी में कुल 300 वैगन लगाए गए थे। इस रेल ने अपना पूरा सफ़र जो था भिलाई तय कोरबा के बीच का जो सफ़र था वो 6.5 घंटे में पूरा कराया था। दोस्तों, इस रेल के चालन तय एक साथ कई रेल चलाई गई, जिससे के माल ढुलाई के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास होगा, क्योंकि इससे कम टाइम में अधिक सामान औद्योगिक उत्पादों का पहुंचाना संभव होगा। कम टाइम में ज़्यादा सामान का आदान प्रदान हो सकेगा, और ज़्यादा वैगन होंगे तो ज़्यादा सामान जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी मालगाड़ी भारतीय रेल के ट्रैक पर चलाना फिलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी मालगाड़ी ट्रैक पर चलाई जाएगी तो पैसेंजर गाड़ी चालन में दिक्कत होगी। तो दोस्तों, यह थी भारतीय रेलवे से जुड़ी कुछ खास जानकारी। यह जानकारी आपने किसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइयो, और आगे भी इसी और जानकारियां खातर थारे अपने चैनल देसी टाइटल ने सब्सक्राइब भी जरूर करियो, और आप हमारे फेसबुक पेज ने लाइक भी जरूर करियो, इंस्टाग्राम पेज ने फॉलो जरूर करियो, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ई मिलेंगे अगली जानकारी में, तब तक जय हिंद, जय भारत।